हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ऑनलाइन टेस्ट में हम देखने वाले हैं 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इस टेस्ट को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और इन 25 प्रश्नों में से आप कितने सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को। दोस्तों, टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसे दिया गया है? तो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको कवर करा चुका हूँ, आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयीय भाषा का दर्जा दिया गया है? इसका सही आंसर है, सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, 22 भाषाओं को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? देखिए, ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि NTPC 2016 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है 26 नवंबर 2012 को, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ा बिग सरप्राइज़ आपके लिए है जो कि आपको मिलेगा 7 जुलाई रात 7 बजे टॉपिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर जितने भी आपके भाई बहन रिश्तेदार जो भी हैं, जो भी प्रिपरेशन करते हैं, यानी कि किसी को भी बता रहे हो आप, जो भी प्रिपरेशन करते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो उनको आपको ये बताना है और देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखना है आपको रात 7 बजे 7 जुलाई। बाकी मैं आपको बीच बीच में रिमाइंड कराता रहूँगा, भूलना नहीं है दोस्तों, ठीक है? आपके लिए सब कुछ, आपके लिए ही सब कुछ किया गया है और आपको मज़ा आएगा। जिस दिन आप 7 जुलाई रात 7 बजे आएंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा कि हाँ यार, ये तो बहुत बड़ा हो गया, इतना तो हमने भी नहीं सोचा था। क्वेश्चन नंबर 3, 2009 से 2014 के बीच की अवधि के दौरान भारत में खालिस्तान थी, किसकी सरकार थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, गठबंधन सरकार थी, जिसमें आपके मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये सारे NTPC के क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, ये मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है सारे, आपको पता होना चाहिए। देखिए आप कितना सही कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? देखिए, अभी तक 7 प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। सबसे पहले आपको 7ों के नाम बता देता हूँ। जवाहरलाल नेहरू जी को 1955 में मिला था, लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में मिला था, इंदिरा गांधी जी को 1971 में मिला था, मोरारजी देसाई को 1991 में मिला था, राजीव गांधी जी को 1991 में मिला था और गुलारजी लाल नंदन नंद को जी को 1997 में मिला था, ठीक है? और लास्ट में आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2014 में मिला था। अब देखिए, यहाँ पे आपको देखना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन वैसा है जो मैंने बताया, तो मोरारजी देसाई हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे कई बार क्या होगा कि ऑप्शन इनमें से जो मैंने बताए हैं, इससे अलग 6 और उनमें से दिया जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जिसे पहले खालिस्तान स्टेडियम कहा जाता था। तो दोस्तों, ये कहा जाता था इरविन स्टेडियम, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है? जिसको अब क्या कहा जाता है, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है? राष्ट्रीय, ये आपका नहीं बताया तो नेशनल स्टेडियम याद रखिएगा, ठीक है? अभी इसको नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है? आपको पता है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर पता है, तो ये भी पता होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रधानमंत्री की आबोहवा परिवर्तन परिषद में खालिस्तान सदस्य शामिल हैं? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं भाई। इसका सही आंसर है 18, प्रधानमंत्री को मिला दे तो 19 हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भूटान की राजभाषा कौन सी है? दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और ये भी NTPC में आया था। तो भूटान की राजभाषा जो है दोस्तों, जोंगखा है, ठीक है? तो सही आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, UNO का मुख्यालय खालिस्तान में स्थित है, यानी कि UNO का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है दोस्तों? इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए, न्यूयॉर्क आपका अमेरिका का एक शहर है
और मैं ये भी बता देता हूँ कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन दोस्तों 1951 में ही कर दिया गया था, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यानी कि प्रिम्बल में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 42वें संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 12 है, 92वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी शामिल नहीं किया गया है? इन चारों में से आपको बताना है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और कई बार दोस्तों आपको अंग्रेजी भी मिल जाएगी और अंग्रेजी भी आपको इन 22 भाषाओं में नहीं मिलेगी, यानी कि ऑप्शन में आपको अंग्रेजी दे दिया जाएगा, इंग्लिश वो तो वो भी आपको ऑप्शन राइट आंसर लगा देना। मान लीजिए इन चारों में से आपका कन्नड़ को हटा दे और यहाँ पे इंग्लिश लिख दे तो राइट आंसर इंग्लिश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सूची दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची में, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? सॉरी भाई थोड़ा गला यार खराब हो रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदन, यानी कि ऑप्शन ए। और प्रोसेस क्या रहेगा, सिर्फ आप इतना याद रखिए, जिस प्रोसेस से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है सेम प्रोसेस से निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से CEC का अर्थ है? तो CEC का अर्थ है दोस्तों चीफ इलेक्शन कमीशन कमिश्नर, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और यहाँ पे हिंदी में बोले तो मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो सभी को पता होगा मेरे हिसाब से, सभी का आंसर आ जाएगा आपातकाल की घोषणा दोस्तों राष्ट्रपति कर सकता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? तो ये है आपका ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 360 में, तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया था ये आपका NTPC में आया था ये भी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1975 में। याद रखिएगा दोस्तों आज़ादी के कितने साल बाद आया, देखो सिक्किम कब भारत का राज्य बना था, 1975 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, गोवा को महाराष्ट्र राज्य में विलय का विकल्प किस वर्ष दिया गया था? मतलब कब आपको गोवा को मतलब महाराष्ट्र का राज्य में विलय करने के लिए मर्ज करने के लिए दिया गया था, एक ऑप्शन दिया गया था, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 1967 में। ये नहीं हुआ था तो इसलिए बाद में ये 1969 में आज़ाद हुआ गोवा भी, बहुत लेट मतलब आज़ादी के पुर्तगालियों के अंडर में था 1969 तक, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखिए भारत में जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है वो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष हैं? अब देखिए मैं आपको जो यहाँ पे बता रखा है ये क्वेश्चन पहले भी कवर करा चुका हूँ, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 35 वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? भाई ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये भी कई बार आ चुका है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था, ठीक है, और आपका गणतंत्र बनने के दो दिन पश्चात यानी कि 28 जनवरी को 28 जनवरी 1950 को
इसने कार्य करना आरंभ कर दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है 2 दिन बाद अस्तित्व में आ गया था, मतलब कार्य के आरंभ कर दिया था 28 जनवरी 1950 को। तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों। भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था, तो ये मैं अभी आपको बता ही दिया हूँ अस्तित्व में कब आया था। ठीक है, कार्य करने आरंभ कब हुआ था, 28 जनवरी को। अगर अस्तित्व की बात करें तो 26 जनवरी 1950 में अस्तित्व में आ गया था। क्वेश्चन नंबर 24, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है, तो इसका सही आंसर रहेगा 65 वर्ष। ऑप्शन के हिसाब से आपको यहाँ पे 65 वर्ष लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज के इस टेस्ट में यही सब क्वेश्चंस थे। अगर आपको टेस्ट पसंद आया, सबसे पहले तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी ग्रुप अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और देखिए 7 जुलाई रात 7 बजे अभी तक का सबसे बड़ा सरप्राइज रहने वाला है। खासकर टॉपिक स्टडी पे जितने भी मैंने अभी तक आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन दी है वो बहुत छोटी है इसके सामने, ये आप देखना मत भूलिएगा। आपको कुछ भी करने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है, मतलब कि आपको कहीं कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एक बड़ा सरप्राइज़ है। आप अगर टॉपिक स्टडी से जुड़े हैं तो आपका 100% सिलेक्शन लेने का समय आ गया है। ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता बिग